नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मेरा आसमान में। और मेरा आसमान में हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है। आपको बता दें कि एक ऐसी शख्सियत जिनकी तरफ से कोविड काल में बेहतरीन काम किया गया, उनकी तरफ से सेवा लोगों की गई। जब कोविड काल एक ऐसा काल जब अपनों ने ही अपनों का साथ छोड़ दिया, ऐसे समय में वो उन लोगों का सहारा बने, उनके मददगार बने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पद्मश्री अवार्डी जितेंद्र सिंह शंटी जी की। जितेंद्र जी सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पे और इस शो पे मेरा आसमान पे। शुक्रिया आपका। और सर, शुरुआत मैं इसी से करूँगी कि कोविड काल हम सब ने देखा और उस काल से कोई भी अछूता नहीं रहा। ऐसे समय में आपने 4,000 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ का क्रिमिनेशन कराया और आपकी जो संस्था है शहीद भगत सिंह सेवा दल, उसके माध्यम से आपने लोगों को फ्री एम्बुलेंस सेवा प्रोवाइड की, शव वाहन प्रोवाइड किए। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसकी शुरुआत सर कहाँ से हुई? कोविड तो एक कहर था जी, इस समय को तो मुझे लगता है दुनिया कभी भूल नहीं सकती है। लेकिन हमने एकदम कोविड में काम शुरू नहीं किया। 95 में उन लोगों को मैंने देखा, एक पिता को देखा जो अपने बेटे की लाश को लेके शमशान घाट में बैठा है और दाह संस्कार के पैसे नहीं है। लोगों की जली हुई लकड़ी के टुकड़े उठा के वो संस्कार करना चाह रहा था। आज से 27 साल पहले मैंने, मेरे दोस्तों ने देखा, हमने सोचा शायद चोरी कर रहे हैं। लेकिन जब पूछा और उसके दर्द को सुना तो हम खुद अपने आप पे गलानी करने लगे कि उस राष्ट्रीय राजधानी पे जहाँ लाखों रुपए करोड़ों रुपए लोग शादी पे लगाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी पे लगाते हैं, बर्थडे पे लगाते हैं, कार पे लगाते हैं, मकान पे लगाते हैं, उस दिल्ली के अंदर यार एक आदमी अपने बच्चे की लाश लेके बैठा है। तो हमने उसका संस्कार कराया और निश्चय किया कि हम अनक्लेम डेड बॉडी या गरीब लोगों के दाह संस्कार का बीड़ा उठाएंगे। शहीद भगत सिंह सेवा दल की स्थापना करी, एम्बुलेंस बनाई, शव वाहन बनाए और इस काम को शुरू कर दिया। और कोविड आने से पहले तक हम तकरीबन 50,000 से ज़्यादा डेड बॉडी कैरी कर चुके थे, 50,000 से ज़्यादा, क्योंकि लोगों को नीड थी, ऐसा कोई साधन नहीं था दिल्ली जैसे शहर में। कोई टेम्पू करता था, वो रेडी करता था। ईश्वर ने हमको शक्ति दी, एक एक करके हमने 12 डेड बॉडी वाली गाड़ी और एम्बुलेंस तैयार कर दी। ऐसी ही टीम जुड़ गई मेरे साथ, मेरे ड्राइवर, मेरे वॉरियर। तो वो सब हम पहले तैयार हो चुके थे। डेड बॉडी मैनेजमेंट का हमें सिस्टम आता था। और इन बिटवीन 2016 में मेरा बेटा छोटा ज्योतजीत सिंह लंदन से मास्टर करके आया डिजास्टर मैनेजमेंट में, उसका और सहारा मिला। जैसे ही कोविड शुरू हुआ तो प्रशासन की सारी निगाह मेरे पे आई कि यार शंटी के पास चलो, शहीद भगत सिंह सेवा दल के पास तो बहुत एम्बुलेंसेस हैं, शव वाहन हैं, वॉरियर हैं, बॉडी मैनेजमेंट का सिस्टम है। तो मेरे को सबने बुला के कहा, तो मेरे कुछ साथियों ने मना भी किया, ये तो मौत का मंजर है शंटी जी। मैंने कहा यार 25 साल से सेवा कर रहे हैं देश की, आज इतना भयानक समय आया है, हम फौजी की तरह सेवा कर रहे हैं बिना किसी सरकारी मदद के। और आज देश के ऊपर विपता आई और फौजी घर में सो के मर गया तो शहीद नहीं कहलाएगा ना। बिल्कुल, ये परीक्षा की घड़ी आई है और हमको सेवा करनी है। और हम अपनी सारी एम्बुलेंस, शव वाहन, वॉरियर सब झोंक दिए जी उसमें। लेकिन जितेंद्र सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि वो वक्त ऐसा था जब लोग सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, हमने देखा घरों में भी एक दूसरे से कटे हुए रहते थे। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, डरते थे लोग अपने ही लोगों से, एक ही घर में कमरे में दूर दूर होकर दूरियां बनाकर। आपको डर नहीं लगा कभी? शुरू शुरू में जब डर पैदा हुआ तो हम सबको कोविड हो गया पहले दौर में। मैं, मेरे बच्चे, मेरी मिसी सब बुरा हाल, मैं डेथ बेड पे था। मेरे ड्राइवर की डेथ हो गई एक, जो मेरे पास 27 साल से था। उससे मेरे ड्राइवर्स बाकी जो थे खौफ में आ गए, उनको मजबूत किया, मैंने समझाया, मैंने कहा देखो सामने वाले दुश्मन ने हमारी फौज पे वार कर दिया और एक जवान शहीद हो गया, तो अब उनको पीछे भागना है या आगे बढ़ के मारना है उनको।
तो उन्होंने कहा जी आगे बढ़ के मारना है। तो मैंने कहा डट जाओ सेवा करने के लिए, मौत आनी है तो घर पे भी आ जाएगी, सेवा करो। और हम डटे रहे, पीछे नहीं हटे। मेरी मिसिज ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे दोनों बेटों ने, मनीष ने, ज्योत ने साथ दिया, मेरे ड्राइवर्स ने, मेरे वॉरियर ने, मेरे मैनेजर ने, मतलब हटे ही नहीं पीछे एकदम से। और शमशान घाट में तो हम ऐसे पड़े रहे 40-42 दिन, तो मुझे निकलने का मौका ही नहीं मिला। मैं रात को भी वहीं अपनी एम्बुलेंस में सीट डाउन करके थोड़ा घंटा दो घंटा लेटता था, वो भी लोग आ जाते थे बेचारे कि हमारा जल्दी संस्कार करा दो। तो मैं समझता हूँ कि आप तो कह रहे ना कि अपने अपने को पास नहीं आए, बिल्कुल हमने बहुत करीब से देखा, आप लोगों ने टीवी में देखा, वीडियो में देखा, सोशल मीडिया पे देखा, हमने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे कि जिन्होंने ये बहाना करके कि मुझे बुखार है, कोविड है, हम हाथ नहीं लगा सकते हैं, आप ले जाइए डेड बॉडी, लेकिन जब डेड बॉडी ले जाने लगते थे तो कहते थे जी हमें दर्शन करा दो। और दर्शन कराने के बहाने किसी ने अपने पिता की अंगूठी उतारी, किसी ने माँ की बालियाँ उतारी, किसी ने अंगूठे लगवाए कागजों पे, वो कहर हमने आंखों से देखा। एक एक घर से चार चार डेड बॉडियाँ मिलाए उठा के, हम सुबह पिता की, शाम को माता की, अगले दिन भाई की, ऐसे। और जो गुरबानी में तथ्य लिखा था कि जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख से ही सब लागे क्या धारा कामरी, हमने प्रत्यक्ष देखा, प्रत्यक्ष एकदम बिल्कुल, मतलब अकेला अकेला बच्चा अपने पिता की डेड बॉडी लेके आ रहा था, अकेला अकेला बच्चा माँ की लेके आ रहा था। तो वो हादसों को मैं तो भूल नहीं सकता, मैं तो अभी भी रात को कभी अगर सोते सोते याद आ जाता तो मैं दिमाग मेरा पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है, क्योंकि मैंने हजारों हादसे, क्योंकि जब 4000 से ज़्यादा बॉडी क्रिमेट की है तो हजारों तो ऐसे थे जिनके साथ कोई नहीं था। तो इसलिए जैसे लोग 1947 में पार्टीशन नहीं भूलते हैं, बिल्कुल 1984 का कत्लेआम नहीं भूलते हैं, भोपाल गैस कांड नहीं भूलते हैं, तो कोविड को तो मुझे लगता है लोग 200 साल नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और कोई मुझे लगता है कोई नहीं भूल पाएगा। अब आपने स्टाफ की बात की, क्योंकि जिस तरह से आपने और आपकी टीम ने बेहतरीन काम किया, हमने इसका भी जिक्र किया कि किस तरह से अपनों ने अपनों का साथ छोड़ा। आपके अगर हम परिवार की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं, स्टाफ की बात करते हैं, उनका समर्पण क्या रहा इस दौरान, अगर हम कोविड काल की बात करें तो? सारे समर्पण उनका था। अगर मेरे पीछे टीम नहीं रहती तो कप्तान तो किसी काम का नहीं होता ना अकेला। फिर मेरी मिसेज हमारी पूरी टीम के लिए रोटियां बना के भेजती थी, मेरा छोटा बेटा मेरे साथ शमशान घाट में था, बड़ा बेटा सोशल मीडिया को मैनेज करता था, क्योंकि अगर ये खुशबू बाहर ना निकलती, ये लोगों को पता ही ना लगता कि इतना बड़ा कहर है, तो कोई आगे ही ना आता काम करने के लिए। जैसे लकड़ी ख़त्म होगी शमशान घाट पर, लकड़ी नहीं है, एक लकड़ी नहीं और 50 डेड बॉडी पड़ी है, हमको फेसबुक पे डालना पड़ा। फिर लोगों ने अपार सेवा की, लोगों ने फिर ट्रकों के हिसाब से भेजनी शुरू कर दी लकड़ी। हमने अगर लकड़ी के लिए अपील करी तो दिल्ली के राजेंद्र सिंह चड्डा जी, उनका फ़ोन आया कि 1000 टन लकड़ी मैं भेज रहा हूँ। हमने अगर एम्बुलेंस के लिए अपील करी तो अक्षय कुमार जी का फ़ोन आया मुझे, दो अक्षय कुमार जी ने फिल्म इंडस्ट्री से मुझे एम्बुलेंस भेज दी। तो ऐसे ऐसे लोग आगे आ गए, टेक महिंद्रा वालों का फ़ोन आ गया, बजाज वालों को आ गया कि शंटी जी हम एक स्लीप वेल वाले हम आपको एम्बुलेंस देना चाहते हैं। अगर ये खुशबू नहीं फैलती या सोशल मीडिया या आपका मीडिया ना फैलाता तो लोगों को पता कैसे लगता कि इतना बड़ा कह रहा है, क्योंकि प्रशासन तो ख़त्म हो गया था उस समय। दिल्ली जैसी राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासन नाम की तो चीज़ ही नहीं थी, कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा था एक दूसरे का। अस्पतालों के अंदर बड़ी चीज़ें तो छोड़ दीजिए कि वेंटिलेटर ये, वहाँ स्ट्रेचर नहीं थे, वहाँ डेड बॉडी के बैग नहीं थे, वहाँ ग्लव्स नहीं थे। तो वो बड़ा भयानक समय था जी। उस समय तो समझ लीजिए जिसकी भी निगाह जा रही थी वो शहीद भगत सिंह सेवादल पर जा रही थी। लेकिन अब परिवार की तरफ से कभी ये नहीं कहा गया कि कोविड चल रहा है, आप बाहर मत जाइए, ये काम नहीं कीजिए, आपको भी कुछ हो सकता है? या फिर स्टाफ के लोग जिनको आपने समझाया, कुछ ऐसे लोग स्टाफ भी था जो गए और वापस नहीं आए, जिन्होंने कहा कि नहीं हम अपने परिवार के लिए? हमारा एक भी स्टाफ छुट्टी नहीं किया, बल्कि हमारा जो मैनेजर है हरजीत सिंह हॉस्पिटलाइज हुआ, इसके लंग्स ख़त्म हो गए, इसका जो वो था ऑक्सीजन 60 तक रहा, वो जो इंजेक्शन थे 2-2 लाख रुपए वाले उस समय ब्लैक में बिक रहे थे, वो भी इसको लगे, आज भी उसके लंग्स पे इफेक्ट है, लेकिन भागा नहीं हमारा, एक भी हमारा वॉरियर नहीं भागा, ये निश्चित बात है। लेकिन मुझे जहाँ इस बात की खुशी है कि सामाजिक संस्थाओं ने बहुत काम किया देश के लिए, सामाजिक
मैं तो ये भी कहूँगा कि सफाई कर्मचारियों का बहुत बड़ा रोल था, पुलिस का बहुत बड़ा रोल था, सिविल डिफेंस का बहुत बड़ा रोल था, डॉक्टर्स ने बहुत काम किया, नर्सेज ने किया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक तबका ऐसा भी खड़ा हो गया जिसने पूरा फायदा उठाया इसका। 500 वाली एम्बुलेंस 50,000 के, 500 वाला ऑक्सीजन का सिलेंडर 50,000 का, 2,000 का इंजेक्शन 2,00,000 रुपये का। और मुझे ये बात कहने में भी कोई शर्म या डर नहीं है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे और इंश्योरेंस कंपनियां और लैब वाले, ये तीनों मिल गए, कहीं ना कहीं उनको एक जरिया मिल गया पैसा कमाने का, ब्लैकमेलिंग करने का सीधा ब्लैकमेलिंग करने का। दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, राष्ट्रीय राजधानी की, 20-20 लाख रुपए के बिल बनाए इन्होंने, जिस बीमारी का इलाज नहीं था बिल्कुल, उसका 20 लाख रुपए बिल। अगर मेरा 10 लाख का इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनी वाले टीपीए 9,50,000 तक पास करते रहते थे, जैसे 10 लाख पार किया वो टीपी कैंसिल कर देते थे, आपको शुगर है जी, आपको तो फलाएं है जी, आपको फलाएं है जी। और अगर आदमी जिंदा है तो तब नहीं छोड़ते थे पैसे लो, अगर मर जाए तो डेड बॉडी नहीं देते थे। बहुत पैसा कमाया जी इन लोगों ने। और बीच ऐसे भी लोग जिनके पास एक वक्त की रोटी के लिए पैसा नहीं होता था, लोगों के घर बिक गए जी, लोगों के रोजगार बिक गए जी, लोगों के बच्चे अनाथ हो गए जी, कितनी बहनें हमारी जिनके सुहाग उजड़ गए जी, और बहुत घरों में तलाक हो गए जी इस बात को लेकर कि पैसे नहीं है। तो लेकिन जिन्होंने नजायज फायदा उठाया, दिल्ली सरकार ने एक के खिलाफ भी एक्शन नहीं लिया। इन्होंने नोडल ऑफिसर बिठाए थे हॉस्पिटल्स में, क्या किसी FIR हुई किसी भी हॉस्पिटल के ऊपर? मैंने तो माननीय प्रधानमंत्री से अपील की है कि ऐसे सभी हॉस्पिटल्स का जिन्होंने इस कोविड में जलालत करी है ऑडिट किया जाना चाहिए, और इनके ऊपर NSA लगना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और इनके ऊपर बेल नहीं होनी चाहिए। ये मेरी मांग है पर्सनल। सर, इस कोविड काल की अगर हम बात करें, जिस तरह से निस्वार्थ होकर आपकी तरफ से, आपकी टीम की तरफ से काम किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद आपकी तारीफ की, जिक्र किया आपका, आपके काम का, और इसी के साथ ही अगर हम पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बात करें, उनकी तरफ से आपको सम्मानित भी किया गया पद्मश्री अवार्ड से, उस एक्सपीरियंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा लगा आपको उस वक्त, क्या महसूस हुआ? देखिए, जब मैं शमशान घाट में सेवा करता था तो मुझे नित्य प्रति नेताओं के, अभिनेताओं के बहुत फ़ोन आते थे। ज़्यादातर तो ये फ़ोन आते थे कि शंटी जी संस्कार जल्दी करा देना, सिफारिश के, लेकिन तारीफ के भी बहुत आते थे, हमें अप्रिशिएट करते थे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने मुझे फ़ोन किया, और फिल्म इंडस्ट्री से तो बहुत ही फ़ोन आया, अक्षय कुमार जी के, धर्मेंद्र जी के, अमिताभ बच्चन जी के, सबके फ़ोन आया मुझे। लेकिन मैं 26 अप्रैल का दिन नहीं भूलता हूँ, रात के 2:30 बजे मुझे एक फ़ोन आता है कि शंटी जी, आपको हम टीवी पे लाइव देख रहे हैं, आप इसी तरीके से सेवा करते रहिए, सारा देश आपके साथ है, जय हिंद। और वो फ़ोन था नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, और बड़ा एक हौसला मिला यार कि एक देश के प्रधानमंत्री इतने माइक्रो लेवल पर वॉच करते हैं कार्यकर्ताओं को, और उसको फ़ोन करते हैं बधाई देने के लिए। और वो हौसला मुझे इतना ज़्यादा मिला कि हम और डट के सेवा करने लगे और ज़्यादा काम करने लगे। 25 जनवरी को मैं सोया हुआ था, और रात को मुझे होम हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया का फ़ोन आया कि शंटी जी आप सो रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं आप सोइए मत, टीवी लगाइए, आपका नाम नीचे चल रहा है, राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री के लिए आपका नाम घोषणा कर दिया है। बहुत बड़ा सरप्राइज़ था हमारे लिए वो। बिल्कुल। उसके बाद तो सारी रात ही फ़ोन आते रहे। खैर, मैंने सबको एक ही बात बोली टीवी पे, वीडियो पे, मीडिया पे, कि ये जो पद्मश्री मिला है ना, ये जितेंद्र सिंह शंटी को नहीं मिला, ये मेरे जो वॉरियर है ना, मेरे जो बेचारे ड्राइवर सेवा करने वाले, मेरे बेटे, मेरी मिसेज, शमशान घाट पे सेवा करने वाले कर्मी, ये सारी मेहनत उनकी थी। मेरा एक ड्राइवर शहीद हो गया आरिफ, ये सारी मेहनत उनकी थी। मैं तो एक मोहरा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रपति जी का ये कह देना मेरे को, जैसे मुझे पद्मश्री मिला, उसके बाद राष्ट्रपति जी ने मुझे खुद उठ के बधाई दी, चाय पीने लगे, तो प्रधानमंत्री जी ने मिला बोला कि आपको जज्बा कहाँ से आया? तो मैंने कहा जी, जज्बा तो वैसे तो हमारी कौम को गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया हुआ है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि देश शिवा बरमोहे ए शुभ कर्मन्ते कबहु न टरो, न डरो अरस्यो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो।
और दूसरा एक ऐसे व्यक्तित्व को मैं देखता हूँ जो देश के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं और सेवा का जज्बा है। तो कहने लगे कौन है, मैंने कहा जी मेरे सामने खड़े हैं। तो वो चीज़ें जो थी उसने हमें बहुत हौसला दिया जी। सर वो वक्त ऐसा जब कोई अपना भी अपने रिश्तेदार के लिए रात पे नहीं निकलता, उस वक्त आप लोगों के साथ खड़े हुए, जिस जुनून के साथ आपने इसकी शुरुआत की थी वो रुका नहीं, क्योंकि कई बार ऐसे होता है मंजिल तक पहुंचने में कांटे आते हैं, कई लोग रुक जाते हैं, मुड़ जाते हैं वहां से कि नहीं अब बहुत हो गया, लेकिन आप नहीं रुके। 40-50 डेड बॉडी तो घर से उठानी पड़ती थी हमको, कोई छत पे पड़ी है, कोई बरामदे में पड़ी है, एक एक कमरे में दो दो डेड बॉडी पड़ी है। वो लोग बेचारे डर के हाथ नहीं लगाते थे, हमारे पास सिस्टम था सारा, हम सैनिटाइज करते थे, बैग में पैक करते थे बॉडी को, फिर नीचे लेके आते थे। तो वो कुछ एक्सपीरियंस था, कुछ परमात्मा ने जज्बा दे दिया, कुछ मेरी टीम ने बहुत काम किया। लेकिन मैंने तो ऐसे ऐसे सीन देखे कि पत्नी ने पति को हाथ लगाने से मना कर दिया, बेटे ने बाप को और भाई ने भाई को हाथ लगाने से मना कर दिया, स्पष्ट रूप से कह दिया कि आप ले जाइए। फॉरेन कंट्री से फ़ोन आते थे कि हमारे पापा या हमारे भाई की बॉडी पड़ी उठा लो जाके, नौकर भाग गए घर छोड़ के, चार चार दिन बॉडीज पड़ी रही घरों के अंदर, यहाँ तक कि कई बॉडियाँ तो नोची हुई थी, जानवरों ने, चूहों ने, कुत्तों ने खाई हुई थी, वो भी लेके आए हम, स्मेल मार रही थी बॉडियाँ, वो भी लेके आए हम। लेकिन पता नहीं वो जज्बा ईश्वर ने दिया, करा दिया, कर दिया हमने, कोई अपनी तरफ से तो हम तो बहुत छोटे से लोग हैं, लेकिन वो जज्बा उसने दिया और लोगों ने हमारी बहुत मदद की, सहायता की लोगों ने, जो हमने मांगा। हमने कहा पीपी किट चाहिए तो शाम को 5,000 पीपी किट आ जाती थी। तो इसलिए देश ने भी मेरा साथ दिया, लोगों ने साथ दिया। और सर एक सवाल मेरा ये था कि कहते हैं कि सुख में ना सही लेकिन दुख में जो अपने हमारे साथ खड़ा हुआ अपना होता है, सिर्फ वही अपना होता है, और ऐसे वक्त में आप लोगों के साथ खड़े रहे। कई वक्त ऐसे भी आया क्या जब आपको लगा कि बस बहुत हो चुका, या फिर कई बार ऐसे होता है कि हम अंदर से टूट जाते हैं, डीमोटिवेट होते हैं, कोई ऐसा पल जो आप साझा करना चाहें? मैं बिल्कुल नहीं टूटा, लेकिन लोग बहुत टूटे हुए थे। एक माँ का मुझे फोन आया मिलिट्री हॉस्पिटल से कि मेरे पति बहुत सीरियस हैं, मैं भी कोविड में हूँ और मेरे जवान बेटे की डेथ हो गई है, संस्कार के लिए जगह नहीं मिल रही है और एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। उनको भी बाहर से किसी ने मेरा नंबर दिया था शायद। मैंने कहा आंटी जी आप मेरे शमशान घाट तक अगर ले आएंगे तो संस्कार तो कराने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, और नई एम्बुलेंस मिले तो मैं एम्बुलेंस भी भेज सकता हूँ। खैर वो डेढ़ या दो घंटे बाद डेड बॉडी लेके मेरे शमशान घाट में आ गए। धोला कुआं से मात्र 25-30 किलोमीटर होगा। पहली जलालत तो ये कि उस एम्बुलेंस वाले ने उनसे 40,000 रुपये मांगा धोला कुआं से सीमापुरी दिलशागढ़ आने का। दूसरी जलालत उन्होंने बताई कि डेड बॉडी को हॉस्पिटल से गाड़ी में रखने का 10,000 रुपया लिया उन्होंने। और तीसरी जलालत ये थी कि वो अकेले थे, एक व्यक्ति साथ नहीं था और खुद कोविड में थे। मैंने कहा जी आप बस अब आराम से बैठ जाइए, पानी पीजिए, कुछ खाइए, अब हमारे जिम्मे छोड़ दीजिए। मैंने उसका संस्कार किया बच्चे का भाई समझ के, बाद में उनका अस्थियाँ भी मैंने उठाई। बहुत से ऐसे लोग होंगे क्योंकि हम जब ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं बहुत लोग हमसे जुड़ते हैं इस ज़िंदगी के सफ़र में, और आपने जिस तरह से लोगों की मदद की, आप सहारा बने उनके, बहुत से लोग होंगे जो आपको आज भी मिलते हैं, याद करते होंगे, बोलते होंगे कि अपनों का तो साथ हमें मिला नहीं, लेकिन जो शायद हमारा अपना नहीं था वो हमारे साथ उस वक्त खड़ा हुआ। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। वो बहन जी ने भी मुझे, आंटी जी ने ये कहा, कहती बेटा तूने मेरा उस बच्चे के लिए बाप का रोल भी अदा किया और भाई का भी, अब सारी ज़िंदगी मेरा तेरा रिश्ता रहेगा। ऐसे पता नहीं कितने रिश्ते मेरे बने हैं जो दिल से मुझे प्यार करते हैं। यहाँ मैं बैठा हूँ, ये मेरी एम्बुलेंस का कर्मस्थल है, यहाँ लोग अपने बच्चों को लेके जन्मदिन मनाने आते हैं, सेल्फियाँ लेने आते हैं, प्यार देते हैं, कोई अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाने आता है, हमारे ड्राइवरों को प्रसाद खिला के जाते हैं, कोई ड्राइवरों को कपड़े दे के जाते हैं। तो इसलिए मैंने कोविड में जो कमाया है ना, वो ये बहुत कुछ कमाया है कि मैं आज देश का बच्चा बच्चा मुझे प्यार करता है, मुझे कोई राजनीति नहीं देखनी है, मुझे कुछ नहीं करना है ज़िंदगी में, मुझे सेवा ही करनी है, मेरा जो जीवन रह गया मैं सेवा में लगाऊंगा देश की बस। इससे पहले आप राजनीति में भी रहे, आप उस वो छोड़कर आप समाज सेवा का आपने शुरू की। बहुत से लोग
कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने डिमोटिवेट किया होगा, जो लोग ये बोलते होंगे शायद कि अच्छा खासा काम चल रहा था, आप इस काम में क्यों आ गए, ऐसे भी लोग रहे। मैं 3 बार इलेक्टेड रहा, 2 बार काउंसलर रहा, 1 बार MLA रहा और इंडिपेंडेंट जीता मैं। लेकिन जब मैंने शमशान की सेवा शुरू की तो अपनों ने ही मेरी खिलाफत शुरू कर दी। मेरे सके भाई ने कहना शुरू कर दिया कि ये लाशों का व्यापार करता है, कफन बेचता है, इस टाइप की बातें। मैं ब्लड डोनेशन का बहुत शौकीन था, कैंप लगाता था, 105 बार मैंने ब्लड दिया हुआ है, मेरा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम है, 200 से ज़्यादा कैंप कर चुका हूँ। लेकिन मैं डीमोरलाइज नहीं हुआ कभी। जब भी मुझे किसी ने रोका तो मुझे एक बंदे ने सलाह दी थी कि शंटी जी, जिस पेड़ पे फल आते हैं ना, पत्थर वहीं पड़ते हैं, बिल्कुल, और हाथी चलता रहता है, भोगने वाले भोगते रहते हैं, हाथी को परवाह नहीं करनी है, आप अपने काम पे लगे रहिए। तो मैं काम पे लगा रहा, ईश्वर ने मौका दिया। आज जो मुझे रोकते थे, टोकते थे, गलत बातें करते थे, उनको कोई नहीं जानता, मुझे दुनिया जानती है। तो ये उसी की लगन का एक फायदा है, एक लगन, डेडिकेशन, कंट्रीब्यूशन, ये बहुत काम आया मेरे। IT अवार्ड में बुलाया गया मुझे, अभी सोनी TV की तरफ से मुंबई IT अवार्ड दिया गया, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो ये बातें मतलब मुझे इस काबिल कर दिया उन्होंने, उस सेवा ने। तो मेरे लिए सेवा ही सब कुछ है, सेवा ही सब कुछ है। जो आपकी संस्था है शहीद भगत सिंह सेवा दल, जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, आगे का क्या मोटो है आपका? क्योंकि जुनून तो देखिए ख़त्म नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन आगे का अगर हम बात करें तो फ्यूचर की। देखिए, डिजास्टर कभी नहीं ख़त्म होता है, उसके रूप अलग अलग होते हैं जी। अभी आपने देखा, एक कंट्री में भूचाल आया, लाखों लोग मर गए, और ये कभी भी कहीं भी हो सकता है। बिल्कुल, आज भी अब कोई डिजास्टर नहीं है, कोई कोविड नहीं है, 15 डेड बॉडी की हमारी एवरेज है पर डे, जो हम घर से हॉस्पिटल या हॉस्पिटल से डेड बॉडी को घर लाना और शमशान ले जाना नित्य क्रम है। मतलब रात को सोने से पहले हमारे पास 5-7 बुकिंग आती हैं, सुबह उठते 5 बजे बुकिंग शुरू हो जाती हैं, सब जगह हमारी गाड़ियाँ जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ड्राइवर हैं, ड्राइवर नहीं तो मैं जाऊँगा, मैं नहीं मेरा बेटा जाएगा, वो हमारे लिए एक करम है, हमारे लिए एक पूजा है, और अभी तक हम उसमें खड़े उतर रहे हैं ईश्वर की कृपा से। टच वुड, ईश्वर हमें शक्ति देता रहे, हम इसी में अपना जीवन बिताएंगे सारा। सर, पद्मश्री अवार्ड के बाद काफ़ी राज्यों से आपको बुलाया गया है, सिर्फ सामाजिक नहीं, जो बाकी की संस्थाएं हैं उनसे वो भी आपको बुला रही हैं। तो अगर हम उन संस्थाओं की बात करें, उन लोग, अगर हम देश के लोगों की बात करें, उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मुझे इस बात की भी गर्व है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरमैन है चीफ जस्टिस अरुण मिश्रा जी, उन्होंने मुझे डिफेंडर्स एंड कोर कमेटी में मेंबर बनाया है, जो NGOs की है नेशनल लेवल पे, जिसमें कुल 13 मेंबर है। वो समझ लीजिए मेरे दिल की बात पूरी होगी, क्योंकि जो बातों के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा था कोविड में, 5 बातें मैंने वहाँ पहली ही मीटिंग में रखी और 5ों NHRC ने पास कर दी। और वो सबसे पहली बात कि जो हॉस्पिटल डेथ होने के बाद बिल की वजह से डेड बॉडी नहीं देते थे, कानून पास हो गया है, पूरे देश में इसका सर्कुलेशन चला गया है, ऑल द चीफ सेक्रेटरीज को और हॉस्पिटल्स को, कि वो डेड बॉडी को रोक नहीं सकते एक मिनट भी, उनको तुरंत डेड बॉडी देनी पड़ेगी, चाहे उसका 20 लाख का बिल हो। ये बहुत बड़ी बात है, ये पास हो गया है। नंबर 2, प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, डेथ होने के बाद डिग्निटी के साथ अपनी एम्बुलेंस पे डेड बॉडी को घर छोड़ के आएंगे। नंबर 3, हर हॉस्पिटल में एक हेल्प डेस्क बनेगा, जो चोर बाजारी कहीं हॉस्पिटल करते हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलके, या मरे हुए मृत व्यक्ति को भी रखते हैं वेंटिलेटर पे 6-6 दिन, वो हेल्प डेस्क उसकी उस बात को पूरा करेगा। उसमें NGO को लोग भी होंगे, एक सरकारी बंदा होगा, हॉस्पिटल का कोई बंदा नहीं होगा। ये सारे पॉइंट मेरे दिए हुए हैं। और इसके अलावा 2 पॉइंट और, दिल्ली के सर्वे में 644 डेड बॉडी एक साल में अनक्लेम जलाई गई, रेलवे पुलिस एंड दिल्ली पुलिस द्वारा, उसमें से 300 कुछ तो हमने जलाई थी। तो मैंने एक पॉइंट रखा कि एम्स में और सफदरजंग में जो बच्चे मेडिकल का कोर्स कर रहे हैं, उनको रिसर्च के लिए डेड बॉडी नहीं मिलती है, 44 बच्चों को एक बॉडी मिलती है। हम ये जो सैकड़ों बॉडियाँ जला रहे हैं, लकड़ी भी वेस्ट हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है, तो क्यों ना इन बॉडीज़ को उन बच्चों को रिसर्च के लिए दे दिया जाए।
तो मेरी उस पॉइंट पे भी गौर करते हुए माननीय चेयरमैन साहब ने आदेश कर दिए कि जिन बॉडीज़ को पोस्टमार्टम नहीं होता है, पुलिस उसमें समर्थन करके, पुलिस उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करके वो बॉडीज़ जो है बच्चों को दे दे, तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए, ये थे पद्मश्री अवार्डी जितेंद्र सिंह शंटी जी। सर, आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए कोविड काल में, जिस तरह से आपने और आपकी टीम ने काम किया, हम यही चाहेंगे इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए, आपकी टीम आगे बढ़ते रहे, इसी तरह से आप काम करते रहिए। तो ये थे पद्मश्री अवार्डी जितेंद्र सिंह शंटी जी, जिनके साथ हमने आज बातचीत की, जो उनके एक्सपीरियंसेस थे वो हमने उन्होंने हमसे शेयर किए कि किस तरह से उन्होंने काम किया। जब अपनों का अपनों से विश्वास उठ गया था, वो एक सहारा बनकर उनकी ज़िंदगी में आते हैं, उनकी मदद करते हैं। हम यही कहेंगे कि आप भी आगे बढ़ रहिए, लोगों की मदद करिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।